नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन हो जाना, जिसे हम कब्ज के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी जरूर हुई होती है, और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे मुख्य कारण होता है हमारा बाहर का खाना खाना। हम बाहर का खाना ज्यादा खाते, हम मिर्च मसालों का ज्यादा सेवन करते, मैदा से बनी चीजों का ज्यादा सेवन करते, देर से खाना खाते, देर से सोते, पानी कम पीते, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, यानी कि उनका कोई रूटीन नहीं है, उनको देखा जाता है कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। या वह लोग जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या किसी भी बीमारी के लिए वो काफी लंबे समय से मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, उसके कारण से भी देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हम ये नहीं समझ पाते कि कॉन्स्टिपेशन हम किसको कहते हैं। अगर आपको एक दिन किसी कारणवश मोशन ना हो, या टाइम से ना हो, या मोशन आपको दोपहर या शाम में हो सकता है कि वो कॉन्स्टिपेशन ना हो। हो सकता है आपने बाहर का खाना खा लिया, या हो सकता है आपकी नींद प्रॉपर ना हुई हो, तो ये टेम्परेरी है। अगले दिन आपका रूटीन ठीक होगा तो ये अपने समय पर आपको मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर यही 3 दिन या उससे दिन तक आपको समस्या रहती है, यानी कि आपका पेट साफ नहीं होता, मोशन टुकड़ों में आता है, मोशन बंद के नहीं आता है, मोशन बिखरा बिखरा आता है, टाइम से ना आना, यानी कि दोपहर को होना, शाम को होना, देर रात से होना, और साथ में आपका ऐसी फीलिंग रहती है कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ। और वह लोग जो बार बार मोशन जाते हैं, बहुत से लोग बताते हैं कि मैं 3 बार 4 बार या उससे भी अधिक बार मोशन जाता हूं, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। आप पानी कम पीते हैं तो आपको ये समस्या हो सकती है, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं तो आपको ये समस्या हो सकती है, आप ट्रेवलिंग में ज्यादा रहते हैं, आप नाइट शिफ्ट करते हैं, आप दिन में सोते हैं, रात को जॉब करते हैं, तो इसके कारण से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपको सिखाने वाला हूं। यह ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो निश्चित ही आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है, और वो भी केवल पैर की उंगलियों को मूव करने से। क्योंकि हमारे पेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे गैस का पॉइंट होता है, पैनक्रियाज होता है, गॉल ब्लैडर होता है, स्प्लीन होता है, लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, और यही सारे पॉइंट हमारी पैर की उंगलियों में है। जब हम पैर की उंगलियों को मूव करते हैं तो हम पेट की सभी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन हो या कोई अन्य प्रॉब्लम क्यों ना हो गई हो। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट, आइए जानते हैं। पेट की सारी बीमारियों को हम पैर की उंगलियों को मूव करने से ठीक कर सकते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स हमारे पेट के अंदर हैं उसके सारे पॉइंट हमारी पैर की उंगलियों में हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाते हैं। पहले मैं आपको पैर की उंगलियों के नाम बताता हूं। जैसे ये दोनों अंगूठे हमारे गैस के पॉइंट होते हैं, ये दोनों उंगलियां यानी कि अंगूठे के बराबर वाली दोनों उंगलियां ये पैनक्रियाज का पॉइंट है, ये गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, यानी कि जितने भी ऑर्गन हमारे पेट के अंदर है उनके सारे पॉइंट हमारी पैर की उंगलियों तक आते हैं। हम पैर की उंगलियों को मूव करने मात्र से, एक टेक्निक है हमारी, एक सिस्टम है, एक काउंटिंग है, हम वो मूव करते हैं और पेट की सारी बीमारियों को हम पैर की उंगलियों से ठीक कर सकते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की पैर की उंगलियों को मूव करते हैं और पेशेंट शांत होकर महसूस करे, तो उसको ये महसूस होगा कि मेरे पेट में कुछ मूवमेंट नजर आती है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं हम पेट की सभी बीमारियों को पैर की उंगलियों से ठीक। चाहे आपको गैस की दिक्कत है, आपका पैनक्रियाज का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, आपको लीवर संबंधी दिक्कत है, आपको गॉल ब्लैडर संबंधी दिक्कत है, आपको टेस्टिस संबंधी दिक्कत है, आपको ओवरी संबंधी दिक्कत है, यानी कि जितने भी ऑर्गन पेट में हैं उनको हम पैर की उंगलियों से ठीक कर सकते हैं। तो जानते हैं ये अंगूठा हमें यहां रखना है, ये उंगली हमें यहां रखनी है इस प्रकार से, और 20 टाइम मूव करना होता है। करने का तरीका देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी ऊपर की साइड 20 टाइम्स, ये उंगली अंगूठा ऐसे, फिर 20 टाइम्स मूव करना, और ऊपर की साइड पर दोनों अंगूठों को एक साथ करना होता है और 20 टाइम्स मूव करना होता है, यानी कि एक फिंगर को 80 टाइम्स चार पॉइंट में, फिर दोनों उंगलियों को साथ में 20 टाइम्स, ऊपर वाली साइड में 20 टाइम्स,
फिर इधर 20 टाइम्स और इधर 20 टाइम्स, फिर दोनों उंगली एक साथ की, हमने दोनों उंगली एक साथ की, अभी सिंगल सिंगल, अभी इधर की सिंगल फिंगर को हमें मूव करना है 20 टाइम, मीडियम प्रेशर के साथ करना होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं होती, अभी इधर और अपर साइड में, अभी इधर की थर्ड, यानी कि थर्ड इधर की, थर्ड इधर की, 20 टाइम्स मूव, एक उंगली पर चार बार मान ले मूव करना है, चार पॉइंट बनाने और हर बार 20 टाइम्स मूव करना है, इधर की फोर्थ फिंगर, इधर 20 टाइम्स मूव, अपर साइड में 20 टाइम्स मूव, फिर इधर 20 टाइम्स मूव और ऊपर वाली साइड में 20 टाइम मूव करना, अब इधर की फोर्थ फिंगर, तरीका वही बिल्कुल, 20 टाइम्स एक पॉइंट पे 20 टाइम्स मूव करना, काउंटिंग का विशेष ध्यान रखना है, फिर इधर 20 टाइम्स और ऊपर वाली साइड 20 टाइम्स, ये लास्ट फिंगर ये देखेंगे ध्यान से, 20 टाइम्स मूव करना है ऊपर वाली साइड 20 टाइम्स, फिर इधर 20 टाइम और इधर 20 टाइम्स, अभी इधर की लास्ट फिंगर फिफ्थ फिंगर 20 टाइम्स मूव करना, ऊपर वाली साइड में 20 टाइम मूव करना, फिर इधर 20 टाइम्स और अपर वाली साइड में 20 टाइम्स मूव करना, इस प्रकार से हम इन सारी उंगलियों को मूव करते हैं, उसके बाद दोनों उंगलियों को इस प्रकार रखना है और वन हल्का सा नीचे की ओर दबाव देना, होल्ड करना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अभी सिंगल सिंगल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 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 फिफ्थ फिंगर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये लास्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस प्रकार से हम इन उंगलियों को इस प्रकार से मूव करते हैं और पेट की सभी समस्याएं, गैस, एसिडिटी, लीवर संबंधित कोई दिक्कत है, पैनक्रिया संबंधित दिक्कत है, गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत है, उन सबको हम इस इन पॉइंट से पेट की सभी बीमारियों को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होने के क्या कारण होते हैं, कैसे लक्षण हमको नजर आते हैं और साथ में एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपने सीखा। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करें, सुबह शाम दो बार कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आपकी कितने भी समस्या क्रॉनिक क्यों ना हो गई हो, चाहे आपको दवाई लेने के बाद भी आराम ना आ रहा हो, आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करें तो निश्चित ही आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ परम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।